फिर से स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो बेस मॉडल, महिंद्रा जनमन DRL, महिंद्रा जनमन हेड, महिंद्रा जनमन ग्रिल। फ्रंट की स्किड भी देख सकते हो, सिल्वर करी हुई है। सबसे पहले पूरी साइड पेंट, कंपनी कई बार फुल ब्लैक पेंट करके दे देते हैं, बट हमारे पास जब भी मिलेगा आपको डबल टोन मिलेगा। साइड मिरर जो टॉप मॉडल में आता है 8,500 रुपए की। बिल्कुल महिंद्रा जनमन रूप रेल, ठीक 5,500 रुपए। एड ऑन कर दिया स्पॉइलर और साथ में वाइपर, वाइपर वर्किंग है। तो ये रहा अपना वाटर स्प्रे, इसमें S11 वाली अपनी ब्रेक लाइट है, ओल्ड S11, ओल्ड S11। हमने कैमरा भी इंस्टॉल करा हुआ है और S को बना दिया अपने S11। S 200 रुपए में नहीं बना, 200 में फ्री में बना दूंगा। ठीक है फ्री, ठीक है ये फ्री वाला S11 का बैच है, 200 रुपए नहीं लोगे। ठीक है आर्म रेस्ट इंस्टॉल करा हुआ है, दोनों भाई देखो कंट्रोल्स लगे हुए हैं अपने S11 वाले, इंटर से भी S11 का ध्यान दिया हुआ है एंड प्रॉपर एक S11 जैसे प्रॉपर जो लुक आता है। 150 वॉट की LED। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे जय ऑटो करोल बाग और आज अपने पास आज भी स्कॉर्पियो, फिर से स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो बेस मॉडल पूरे तैयार हुआ है। ये मेनली अपनी गाड़ी आई है JK जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर। ठीक है, मतलब इतनी दूर दूर से भी ट्रैवल करके आते हैं, ट्रस्ट है जब भी आ रहे हैं। ठीक है, कस्टमर्स ट्रस्ट करते हैं इसलिए ही आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फ्रंट से ये क्लासिक S थी पहले, जो बेस मॉडल में कुछ भी नहीं आता, ना ग्रिल, ना हेडलाइट, ना DRL, ना फॉग लाइट। सबसे बड़ी बात बम्पर जो मैट ब्लैक आता है। ठीक है, बम्पर हमने ही पेंट करा, 2 दिन लगा भैया, कल मॉर्निंग में आए थे और आज नेक्स्ट डे है, 2 दिन में पूरी कंप्लीट है। आज आपको कंप्लीट गाड़ी दिखा रहे हैं, 2 दिन में कंप्लीट, बेस टू टॉप नहीं दिखा रहे, बिल्कुल कंप्लीट करके दिखा रहे हैं। पूरी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम कोई वीडियो दिखाते हैं पूरी कंप्लीट वर्क के साथ और एक दिखाते हैं जो काम चल रहा होता है, वो भी दिखा सकते हैं, बट उसमें क्या होता है सारे चीज खुले हुए हैं, कस्टमर उसमें कुछ समझ नहीं पाते हैं, उसमें सारे भाई बोर हो जाते हैं कि कैसे। पूरी बेस टू आपको दिखा रहा हूँ जिसमें हर एक चीज आपको लगा हुआ मिलेगा और अच्छे तरीके से आपको। ठीक है, तो फ्रंट से अगर दिखाएं इसमें मेजर चेंजेस जो हुआ है, फॉग लैम्प, DRL और हेडलाइट, मैं दिखा तीनों चीजें चेंज, दो तो लगी है एक चेंज है। सबसे पहले पूरी बम्पर साइड सारा अपना पेंटेड हुआ है, पेंट हुआ है, 2 दिन में हुआ है। उसके बाद महिंद्रा जनमन फॉग लाइट जो भैया ने लगवा के आया कंपनी से लगा, बिल्कुल महिंद्रा जनमन DRL, महिंद्रा जनमन हेडलाइट, महिंद्रा जनमन ग्रिल। ठीक है, ये तीनों चीजें जनमन है जो डला महिंद्रा उसने डला, साथ में लो बीम हाई बीम फॉग लाइट तीनों में LED डला है, जो कि अपना 180 और 150। ठीक है, एक बार लाइट रिस्पॉन्स भी दिखा दो जला के। तो ये अपनी लो बीम है, हाई बीम करो, ये हाई बीम है और फॉग लैम्प जलाना, तो ये फॉग लैम्प जल गई। तो एक बार फ्रंट से दिखाते हैं, तो फ्रंट से रिस्पॉन्स कुछ ऐसा है, डिपर मरना। ठीक है, तो मतलब काफ़ी S11 की स्टॉक हेडलैम्प से तो काफ़ी अच्छा है, जो स्टॉक हेडलाइट आता है उसकी लाइट की ब्राइटनेस अपना नॉर्मल होता है, येलो होता है। ठीक है, अगर LED से कंपेयर करोगे तो स्टॉक से 3 गुना ज़्यादा बेटर है, स्टॉक से बेटर ही रहता है। बिल्कुल ठीक है, तो LED से अपग्रेड करा है। फ्रंट की स्किड भी देख सकते हो, सिल्वर करी हुई है, इसको भी किया गया अपना पूरा। ठीक है, ये भी प्रॉपर सिल्वर करी हुई है हमने। और इसके बाद दिखाते हैं साइड से, तो आज कुछ भी दिखेगा नहीं, बिल्कुल मेन है साइड से दिखेगा। तो साइड से आपको दिखाते हैं, साइड से आज आपको कोई अलॉयज नहीं दिख रहे भैया ने, न थार वाला अनंत को भैया क्लासिक वाला, दोनों वालों पसंद नहीं आया। ठीक है, भैया कह रहे हैं मैं कुछ अपना अलग डलवाऊंगा और अच्छे डलवाऊंगा, थोड़ा बजट बना के डलवाऊंगा और अच्छे डलवाऊंगा। ठीक है, तो भैया वैसे ही कुछ समझ नहीं आया भैया को यहाँ पे अलॉय, यहाँ के अलॉय भी देखे थार वाला क्लासिक वाला और अपर मार्केट बहुत सारा डिजाइन देखे, भाई को पसंद नहीं आया, कह रहा भैया नेक्स्ट टाइम डलवाऊंगा, अपना बजट बना के अच्छा डलवाऊंगा। ठीक है, तो भैया देखेंगे वो। और मेन चीज आज साइड वेंट लगा रखा है इसमें, इंडिकेटर हटा दिया जादू, उसको गैप करके यहाँ पे ला दिया। तो यहाँ पे आता अपना इंडिकेटर, तो यहाँ पे हमने ओल्ड वाली स्कॉर्पियो का इंस्टॉल करा हुआ है, क्योंकि डबल इंडिकेटर अच्छा नहीं लगता, बल्कि क्लासिक S11 में आता है, मतलब फिर भी इसको बंद करके अपने यहाँ पे ला दिया। जो अब वाली S11 है उसमें इंडिकेटर यहाँ पे आता है, क्योंकि अभी जो क्लासिक S11 है बहुत चीजों को कंपनी ने कटौती किया है। ठीक है, तो इसमें M-Hawk वाला अपना साइड वेंट लगा दिया। सबसे पहले पूरी साइड पेंट, ठीक है ये हमारा पेंट है, बिल्कुल। तो एक बार कंपैरिजन दिखा दो पेंट का, तो ये देख सकते, कंपनी कई बार फुल ब्लैक पेंट करके दे देते हैं, बट हमारे पास जब भी मिलेगा आपको डबल टोन मिलेगा। ठीक है, ये सिल्वर पार्ट दिखेगा आपको, बिल्कुल हमारे पेंट में और एग्जैक्ट मैच है, साथ में ये देख सकते हो हैंडल भी मैच, हैंडल भी हुआ पेंट। ठीक है, हैंडल भी पेंट करा, कंपनी से फुटरस लग के हुआ है जो अभी भी अधूरा है जो देखो आप। ठीक है, कॉर्नर नहीं है इसके, खाली है। तो ये तो अभी जब अगर लगवा के आ गए हो कंपनी से तो चला लो, सबसे बेटर वही है, बिल्कुल। इन फ्यूचर 1-2 साल बाद खराब हुआ कभी तो चेंज करवा के कॉर्नर वाला लगवा सकते हो, बट इसमें कॉर्नर अलग से लग भी नहीं सकता है, इसमें नहीं लग सकता दे रहा है। ठीक है, अगर आप ये लगवा के आ रहे हो या
एसेसरी पार्ट लगा रहे हो तो ये रहने ही देना, कंपनी से लगवाना, क्योंकि कॉर्नर के साथ लगवाना अच्छा लगता है। अब इसमें जो लगा है साइड मिरर लगा है, ठीक है, साइड मिरर जो टॉप मॉडल में आता है। तो दिलीप भाई कॉस्टिंग इस बार हमने 8,500 रुपए की, 8,500 रुपए की। तो एक बार फ्रंट से हेडलैम्प कितने की थी? 15,500 की हेडलैम्प, 15,500 हेडलाइट है, 2,800 रुपए ग्रिल है, ठीक है, DRL 9,000 रुपए की है, ठीक है, फॉग लाइट 2,800 रुपए की है, ठीक है, बाकी LED आपको पर डिपेंड करता है किस रेंज तक जाते हो आप, ठीक है, 2,500 से LED स्टार्ट हो जाती है अपनी, जाती वो हाई रेंज तक है। एक इसमें गैलियो का डोरवाइजर डला है, ठीक है, गैलियो का लगा है, ठीक है, गैलियो क्रोम लाइनिंग के साथ, उसके साथ इसमें लगा है महिंद्रा जर्मन रूप रेल, ठीक है। कॉस्टिंग भी बता दो इसकी, 5,500 रुपए, 5,500 रुपए में आप अपना रूफ रेल इंस्टॉल करवा सकते हो। सो ये बैक से दिखाते हैं, ये बैक से भी क्लासिक ऐसी थी, लेकिन यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर दिया स्पॉइलर और साथ में वाइपर। अभी भी इसकी पहचान बता दो, ग्लास देखो उसके पूरे सिंगल है, ठीक है, डिफॉगर वाला ग्लास नहीं है ये, लेकिन हमने वाइपर इंस्टॉल करा हुआ है। एक बार वर्किंग दिखा दो, मैं दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो वाइपर की वर्किंग, वाइपर वर्किंग है साथ में, ठीक है। वाटर स्प्रेयर दिखाते एक बार, तो ये रहा अपना वाटर स्प्रेयर, ठीक है। और मेन इसमें S11 वाली अपनी ब्रेक लाइट है, ओल्ड S11 न्यू में भी छोटा आता है और बेस में भी छोटा आता है और टॉप में भी छोटा आता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्कैनिंग फीचर दिखा देते हैं, पिलर लैम्प का एक बार पार्किंग जलाते हैं, तो ये देख सकते हो पार्किंग जैसी ऑन करेंगे हम तो इसमें स्कैनिंग मोड फीचर मिल जाता हमें, बिल्कुल। इसमें ब्रेक पार्किंग और इंडिकेटर तीन मोड है, ये अभी पार्किंग मोड है, फिर ब्रेक मोड आ जाएगा, उसके बाद रनिंग मोड आ जाएगा, जो कि अब तीसरी इंडिकेटर मोड है, ठीक है, ब्रेक मोड हो गया। तो नीचे हमने इसमें रिफ्लेक्टर भी ऐड ऑन करा हुआ है, रिफ्लेक्टर लगा दिया है साथ में, ठीक है, साथ में अपना महिंद्रा जेन्युइन अपना स्पॉइलर। तो दिलीप भाई एक बार कॉस्टिंग भी बताते जाओ, स्पॉइलर 5,500 रुपए, 8,500 रुपए, वाइपर वर्किंग 8,500 रुपए वर्किंग, ठीक है। और नीचे और ये पिलर लाइट, पिलर लाइट अपना 5,000-5,500 रेट लेके चलो आप, ठीक है। तो ये इसकी हमने बता दी, बाकी ये वाली ब्रेक लाइट काफी अच्छी लगती है देखने में, लगा सकते अच्छे, वो अपने पास स्टॉक है इसका, पुरानी स्टॉक है, ठीक है। साथ में इसमें लगा अपना एक स्कॉर्पियो बम्पर पट्टा, बम्पर पट्टा, ठीक है। ये काफी नीड होती है स्कॉर्पियो में कि अगर पीछे सामान या लगेज रखते हो तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। कैमरा लगा देख पा रहे होंगे, ठीक है, हमने कैमरा भी इंस्टॉल करा हुआ है। और लेके चलते हैं अब अंदर, और एस को बना दिया अपने S11, ठीक है। एस 200 रुपए में तो नहीं बना है, 200 में फ्री में बना दूंगा, ठीक है। ये फ्री वाला S11 का बैच है, 200 रुपए नहीं लोगे, बाकी इसमें जो भी लगा अंदर के इंटीरियर में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां से नहीं बनती S11, प्रॉपर वीडियो देखा करो, ऐसे लगाने के बाद S11 बनता है, नहीं 200 वाले स्टिकर लगा दिए और S11 बना दिए, ठीक है। अंदर बोली मत दो, अंदर दिखाते हैं। तो लेके चलते हैं क्लासिक एस, एस कौन सा वेरिएंट निकाल दिया एस में, आपको एक चीज कमी होगा, S11 तो बना दिए, ठीक है, बट डोर पर नहीं लगा, ठीक है। S3 प्लस है क्या ये? नहीं, AC है, S11 में सारा काम हुआ, बट जो भी इसमें काम हुआ अच्छा हुआ, भैया ने डोर पैनल, ठीक है। आज आपको डोर पैनल के विदाउट दिखा रहे हैं हम, आज आपको डोर पैनल नहीं दिखेगा, लेकिन हमने यहाँ पे स्पीकर इंस्टॉल करा है अवतार के नहीं, पायनियर कंपोनेंट है, ठीक है, पायनियर कंपोनेंट है, अवतार की जाली लगा हुआ है, जाली अवतार, क्योंकि पायनियर कंपोनेंट में जाली नहीं आता है उसके साथ, ठीक है। तो जैसे आप अगर भार लगवाते हो तो आजकल 6 इंचेस वाले कंपोनेंट में कोई जाली मिलती नहीं है, मोस्टली ऑलमोस्ट नहीं आते, ऐसे कोच है जो उसमें आते हैं, क्योंकि आजकल मेनली डोर पैनल के अंदर ही स्पीकर फिट हो जाते हैं, तो कंपनी भी नहीं प्रोवाइड करती, तो अवतार के साथ आता था ग्रिल, तो हमने उसकी ग्रिल ऊपर लगाई है, वैसे पायनियर के, ठीक है। बाकी इसमें आप सीट कवर देख पा रहे होंगे, थाई सपोर्ट, ठीक है, अपने सीट कवर देख सकते हैं, मोस्टली स्कॉर्पियो में हम यही वाले सीट कवर इंस्टॉल करते हैं, साथ ही इसमें एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ हमने थाई सपोर्ट है, थाई सपोर्ट दे रखा है, और ये सॉफ्टनेस इसकी देख सकते हो इसके अंदर। एक चीज मैं बता दूं, सीट कवर थाई सपोर्ट फोम डालने से नहीं होता, थाई सपोर्ट उसको, सीट कवर इसको प्रॉपर थाई सपोर्ट एक बनना भी चाहिए, ठीक है, तब जाके थाई सपोर्ट, पहले सीट कवर ही तैयार होता है कि इसके अंदर फोम डालने लायक हो, उसके बाद ही तैयार होता है। उसके साथ इसमें डाला हमने आर्मरेस्ट, ठीक है, आर्मरेस्ट इंस्टॉल करा हुआ है दोनों भाई, देखो क्लासिक एस है, देख सकते हो डोर पैनल से, लेकिन इसके अंदर फीचर सारे S11 वाले। डोर पैनल नहीं करवाया थोड़ा बजट इशू की वजह से, नेक्स्ट टाइम अपना भैया ने अपना अलॉय का काम, मीटर का काम, अपना डोर पैनल के साथ अपना एक बार और करवाएंगे, ठीक है। तो आगे से दिखाते एक बार फ्रंट से क्या क्या करा। तो नीचे हमने स्कॉर्पियो की वेलकम लाइट इंस्टॉल करी, आज आपको वाइट दिखा रहे हैं। मैंने नहीं किया, भैया ने कंपनी से खुद करवा किया है, ठीक है, कंपनी से लगा है भैया ने, एक वेलकम लाइट, एक साइड के फुटरेस्ट, एक फॉग लाइट, तीन चीज भैया ने कंपनी से करवा किया है। तो ये कंपनी में ऐसी मिलती है, आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट लगाती है महिंद्रा भी, ठीक है। तो इससे अच्छी क्वालिटी तो हमारी साइड फुटरेस्ट है, वो भी आपकी आफ्टर मार्केट है, जो कंपनी के में लगा हुआ है, ठीक है, ये भी होता है एक्सेसरीज में, ठीक है। तो मैटिंग अपने ही डली है, मैटिंग डला है इसकी प्रॉपर 90 फ्लोरिंग, ठीक है, पहले फ्लोरिंग करी है हमने, और उसके बाद देख सकते हो 90 फ्लोरिंग है ये, उसके बाद हमने मैटिंग डाला है 70, तो हमारा कारपेट भी बचा रहेगा इससे, बिल्कुल,
ठीक है, तो अंदर से एक बार दिखाते हैं। तो जैसे हम स्टेयरिंग पे आ गए तो स्टेयरिंग सबसे पहले नजर आता है, तो इसमें हमने सबसे पहले रैप करा, लेदर रैप, तो देख सकते हो क्वालिटी देख सकते हो, और स्टिचिंग थ्रेड इसमें रेड यूज करा हुआ है। हाँ जी, ठीक है। जो सीट कवर के अकॉर्डिंग जैसे रेड थ्रेड इसमें है, सेम वैसे ही थ्रेड हमने स्टेयरिंग में भी दिया है। चाहते तो ब्लैक भी कर सकते थे, लेकिन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा हुआ है, बारीकियों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं 200 में S11 बना दो, ठीक है। तो बाकी दिखाते हैं, कंट्रोल्स लगे हुए हैं अपने जेन्युइन S11 वाले, और राइट साइड के वर्किंग नहीं होंगे, लेफ्ट साइड के वर्किंग होंगे। इससे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, देख सकते हो, यहीं से कंट्रोल हो जाएगा। जो क्लासिक S के अंदर नहीं कंट्रोल कर पाते थे हम पहले, सिर्फ स्टॉक आता था, स्टीयरिंग ऊपर से एंड्रॉइड भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं आता, ना रैपिंग आता, ना कंट्रोल आता, ना अपना ग्लोसी आता जो मैट ब्लैक आता, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हमने यू कहते हैं हम इसे, इसको हाइड्रो डिप करा हुआ है ब्लैक में, जो S11 में आजकल ये ब्लैक आने लग गया। और किसी को सिल्वर करवाने का मन हुआ तो पुरानी S11 ओल्ड लुक में भी जा सकते हो आप, ठीक है। आपको न्यू से ओल्ड पे भी जाना है ना, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप न्यू क्लासिक लेके आओगे, ओल्ड लगाना ना आपको पूरी चीज है, वो भी लगा देंगे दिलीप भाई, ठीक है। तो यहाँ मीटर रह गया बस, स्टॉक में बीएल नहीं लगवाया, ठीक है, भैया ने नहीं लगवाया, रिक्वायरमेंट नहीं थी भैया की, लेकिन वो ब्लू कलर वाला मीटर काफी अच्छा लगता है। तो दिलीप भाई कॉस्टिंग भी बताते हो, चलो क्या कॉस्टिंग में अपने ये लगे, 5500 रुपए में अपने स्टीयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल करे हुए हैं इसके अंदर। और बेजल कितने में लगा, हाइड्रोडिप का इसमें पेंट होता अपना 1800 रुपए खर्चा आता है, तो 1800 रुपए में आपका ये लग जाता है अपना बेजल। बाकी सेंटर की बात करें तो सेंटर से भी S11 का ध्यान दिया हुआ है, एंड्रॉइड डाला उसके साथ प्रॉपर, एक S11 जैसे प्रॉपर जो लुक आता है उस पर भी ध्यान, ठीक है। किसी में भी दिलीप भाई का मैंने देखा है, ये ब्लैक नहीं लगाते हो, ब्लैक लगाऊंगा क्योंकि जब सारा काम हो रहा है आपका अच्छा, तो एक छोटी सी चीज पे क्यों चुकूंगा। अब मुझे लग रहा है दिलीप भाई भी S11 लेके आएंगे अब सीधा, नहीं S11 बनाओगे, बेस लाके टॉप बनाएंगे, बेस से टॉप बनाएंगे, दिलीप भाई की सीरीज आएगी फिर स्कॉर्पियो तैयार करते हुए। तो बाकी इसके अंदर हमने एंड्रॉइड इंस्टॉल करा हुआ है, मैं बता दूं इसमें एंड्रॉइड डाला है, ठीक है, पायनियर कंपोनेंट डाला है, ठीक है। देख सकते हो पॉड यूज करते हैं ना जैसे, सेम वैसे हमने यहाँ पे ट्विटर पॉड बना लिया, इसमें कोई जाली नहीं फिट करी, इसको पता ही नहीं लग रहा मेरे को कि ये वही है, यहाँ स्टिक हुआ करती थी, अपने मार्केट ऐसे कुछ लगा जैसे ओरिजिनलिटी फील आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टिक हुआ करती थी, वो हुआ करती थी, लेकिन दिलीप भाई ने नामो निशान बता दिया, स्विच एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। अपना यहाँ इस साइड में अपना स्विच आ गया, और जैसे राइट साइड में ले जाओगे तो राइट साइड कंट्रोल करके दिखा दो, राइट लेफ्ट अप डाउन, कितने में लग के दोगे, 8,500 में बेस टू टॉप बनाओगे तो लगा के देंगे हम आपको। बाकी एक अपना क्रोम रह गया इसके अंदर का, कह तो रहा हूँ इसमें पूरी गाड़ी कंप्लीट होने में दो तीन चीज ऐसी है जो मिसिंग है, एसी वेंट क्रोम, ठीक है, मीटर, ठीक है, एक अपना साइड के अपना क्लासिक वाले अलॉय, दो क्लासिक अलॉय और एक मेन डोर पैनल, ठीक है। इन चीजों से रह गई अपनी स्कॉर्पियो, वरना इसको भी नहीं लगवा पाए, ठीक है, वरना अपने पास जितनी भी स्कॉर्पियो है हम तो यही सोचते हैं कि टॉप बन के जाए भैया, नहीं नहीं था, सबसे पहले जो कस्टमर आता भैया डोर पैनल दो, ठीक है, डोर स्टॉक में और ले जाओ सारा काम के साथ, भैया की रिक्वायरमेंट नहीं थी वैसे, बिल्कुल नहीं थी, नेक्स्ट टाइम आएंगे थोड़ा बजट बना के और भी काम करवाएंगे। तो भैया ने थोड़ा ऑडियो सेटअप पे ध्यान दिया था, तो वूफर वगैरह इंस्टॉल करवा लिया, कंप्लेंट है, ओवल है, पीछे अपना वूफर है, पांचों डोर डैम्पिंग है, एम्पलीफायर है, ठीक है, साउंड सिस्टम का जो भी इसमें अच्छा हुआ, ठीक है। भैया ने जो चीज प्लग एंड प्ले वाली चीज है वो बाद में सोचा कि बाद में करवा लूंगा चलते चलते, जैसे बजट उनका होगा। तो यहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन लगा, बिल्कुल लगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन स्विच है, इसको हमने रिमूव करा है इसमें, वरना पार्किंग के साथ ही चलती है अपनी, तो कंपनी से तो पार्किंग के साथ वाली आई होगी, है कंपनी से पार्किंग के साथ आता है, ठीक है, उसमें फॉग लैंप लगा दी होगी कंपनी वालों ने, बिल्कुल हमने लाया प्रॉपर अपना कैलिबर चेंज करके, ठीक है, अपना ओरिजिनल अपने ये वाला कैलिबर डाल, ये देख सकते हो आप इसमें फॉग लैंप का एडिशनल आ जाता है स्विच, ये हम ही इंस्टॉल करके देते हैं, बिल्कुल, और कोई देता नहीं। आपको मीटर में भी वर्किंग दिखेगी, ये देख सकते हो ये जो ग्रीन लाइट है ये फॉग लैंप की है, ये फीचर सिर्फ जे ऑटो पे मिलेगा आपको, अनलॉक करा हुआ, ठीक है। तो यही सारा काम करा था हमने अंदर, बिल्कुल, ठीक है। और भाई सायरन भी लगा दिया ऊर्जा का, ठीक है, देखो सायरन लगा रखा है, इलीगल चीज है लेकिन मजेदार भी है वैसे, है दिलीप भाई, हमारे तरफ से नया है बट आपको चाहिए मिल जाएगा। तो दिलीप भाई साथ ही साथ इसके अंदर हमने एक ये 150 वाट की LED, बिल्कुल 150 वाट की LED लगा दी है, ये देख सकते हो 150 वाट बंद करो, अच्छा यहाँ पे कितना 20-20 वाट है, 20-20 वाट है, ठीक है, 20-20 वाट हमने दो जगह इंस्टॉल करे हैं, 20-20 वाट और आगे 150, तो अपना ये धमाका देखो, ये लो नाइट है, देखो दिन हो गया, ये पूरी स्कॉर्पियो में दिन हो गया, एक ही काफी है तो, ठीक है, एक भी काफी, 75 वोट भी इतनी है, मतलब हेडलाइट में लग जाए तो हेडलाइट भी अंधा कर दे इसकी, अच्छा जो भी कस्टमर आता भैया के
रूप लाइट 150 वाट वाली पहले सबसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रूप लाइट तो चाहिए। तो दिलीप भाई साथ ही साथ इसमें जो एम्बिएंट लाइट हमने जो इंस्टॉल करी है इसके अंदर वो भी डला, ये होती है पाइपिंग वाली। और आप सोच रहे होगे कि हम तो डोर पैनल में इंस्टॉल करते हैं, हमने देखा हो, ऐसा नहीं देखा होगा नहीं, कि ये वाले डोर पैनल में भी इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलमेंट हुआ और ये भी अपना, ठीक है। तो दिलीप भाई एक बार कलर मोड चेंज करके दिखा दो इसके, तो ये देख सकते हो ये ऐप से कंट्रोल होती है बिल्कुल। तो ये जैसे ग्रीन कर दी, तो ऐसे कलर मोड्स चेंज कर सकते हैं हम इसके अंदर, जो उन सा कलर आपको सेट करना है। और जैसे आपको लग रहा है कि तेज है ये ज्यादा, कि हाईवे में आपकी ड्राइविंग है, तो आप इसे डिम कर सकते हो। तो इसे डार्क करना है एक बार, ये फुल डार्क है, ये लाइट, ठीक है, लाइट भी कर सकते हो, ऑन ऑफ भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो दिलीप भाई एक बार कस्टमर से रिव्यू जाने, बिल्कुल मेन तो रिव्यू होता है, मेन तो रिव्यू है, पहले 150 वाट की एलईडी जला ले, दिखाई नहीं दे रहे। चलो चलते कस्टमर से रिव्यू लेने। सो फाइनली अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक का काम टोटली कंप्लीट हो गया है। तो भैया की गाड़ी रहने वाली है, भैया का नाम जानते हैं? मेरा नाम है चेतन चौधरी। भैया आपका? विजय कुमार। पुरुषोत्तम बाजवा। गुरदयाल सिंह। ठीक है, तो भैया कहाँ से ट्रैवल करके आए हो? हम जम्मू से आए हैं, मेन जम्मू सिटी से। जम्मू से तो भैया की वीडियो देख के आया हूँ मैं यहाँ पे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा काम होगा, सोचा भी नहीं था मैंने कि जो भैया ने मेरे को ये काम करके, मैं एकदम एक नंबर ओके काम करके दिया। ठीक है, आपने सोचा था बेस मॉडल ही लेनी है? भैया की वीडियो देख के मैंने ली गाड़ी, वीडियो देख के ली। हाँ, वीडियो देख के गाड़ी ली और वीडियो देख के यहाँ पे पहुंचा हूँ भैया के पास, और तोहफा बना के दिया भैया ने। ठीक है, तो S11 में काफी चीजें आपने एड ऑन करवा दी इसमें। हाँ, बस एलॉयज रह गए आपके। बस एलॉय भी डलवा लेंगे अभी। ठीक है, वो आप डलवा लोगे। बाकी कैसी लगी तैयार होने के बाद ये? एक नंबर। टोटल जम्मू कश्मीर से इतनी दूर से ट्रैवल करके आए, तो आप तो बोर हो गए होंगे आते आते। आते आते म्यूजिक सिस्टम कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ तो म्यूजिक का काम भी करवाया आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा साउंड वगैरह? भैया मैं बोल रहा हूँ ना, सोचा भी नहीं था वो काम हुआ है। मैंने बहुत गाड़ियाँ रखी हैं, बट जो गाड़ी का ये काम हुआ है ना, ठीक है, एक नंबर मजा आया। एक जो दिलीप भाई प्राइस बोलते हैं वीडियो में, वही प्राइसिंग यहाँ मिली आपको? हाँ जी, हाँ जी, सारे जेन्युइन पार्ट्स सेम। हाँ जी, वीडियोस में जैसा शो करते हैं सेम वैसे ही काम। हाँ जी, हाँ जी, किसी शिकायत का मौका दिया? नहीं नहीं नहीं, शिकायत का इन्होंने बोला था कि दो दिन में गाड़ी दे देंगे, आज शाम को हमको गाड़ी दे दी, कल सुबह छोड़ी थी हमने, सेम डे गाड़ी ने दूसरे दिन गाड़ी दे दी हमको। ठीक है, सेम डे मिल गई गाड़ी। ऑल ओवर एक छोटी सी रेटिंग मांगू, 10 में से आप कितने दोगे? 10 में से 10 नहीं दूंगा सर, फुल 10। हाँ जी, ठीक है भैया, आपको 10 नहीं दूंगा सर, 10। आप 10 नहीं दूंगे, फुल है, फुल मार्क्स। ऐसा तो नहीं हम बुलवा रहे हो आपसे, मजा आ गया भैया आपका, बिल्कुल बढ़िया सर। ठीक है, इन फ्यूचर अगर दोबारा मौका मिले तो आप विजिट करोगे? भैया हम 3 गाड़ी और आ रही हैं मेरे फ्रेंड की, कल या परसों वो पहुंच जाएंगी, वो मेरे साथ ही आना चाहते थे, बोल रहे हैं गाड़ी का काम करवाओ, हम फिर बाद में। एक होता है पहले देखना कि कैसा हुआ काम। हाँ, इसलिए हम पहले आए, अब 3 गाड़ी और आ रही हैं जम्मू से हमारी, 3 गाड़ी और लाइन से आ रही है। वैसे दिलीप भाई क्या कॉस्टिंग में अपनी तैयार हुई है? कॉस्टिंग की बात करो भैया, इसमें टोटल जो काम हुआ है हाई एंड काम हुआ है और ओरिजिनल काम हुआ है, जो कि महिंद्रा के ओरिजिनल सामान के साथ जो अफ्टरमार्केट की चीज़ें भी डला है वो भी अच्छे लेवल पर डला है। ठीक है, इसमें टोटल बजट आया अपना 2,00,000, अपना 10,000 रुपये का बजट आया टोटल, 2,10,000 रुपये, 2,10,000 का बजट आया। और इसमें जो बाकी जो भैया का जो रिव्यू है, मैंने रिव्यू से पहले कुछ बोला भी नहीं था, रिव्यू आपके सामने, भैया का रिजल्ट आ गया। ठीक है, रिजल्ट आ गया एक नंबर। ठीक है, ठीक है, मैंने देखो जितनी मर्जी काम कर लो, जितना बढ़िया काम कर लो, मेन होता है कस्टमर के रिव्यू और संतुष्टि। दो दिन को भैया को टाइम दिया, दो दिन में भैया को गाड़ी मिला, जैसा भैया काम चाहिए था बढ़िया मिला, जो भैया आपको रिव्यू अच्छा दे रहा है और हमें अच्छा दे रहा है, टोटली सेटिस्फाइड है बिल्कुल। भैया के 2-3 गाड़ी और भी है, भैया आएंगे। ठीक है, सो यही थी अपनी आज की वीडियो है, होप सो अच्छी लगी होगी। ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।